दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। अगर आप रिपेयर या डीलर हो तो अपना नंबर और एड्रेस जरूर व्हाट्सअप करें। थैंक यू। दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं थ्रेड एल्बो की। वाटर फिल्टर में जितने भी पाइपिंग कनेक्शन होते हैं उनमें अहम रोल रहता है एल्बो का। एल्बो भी कई तरह की होती है। आज हम स्पेशली बात करेंगे थ्रेड एल्बो की, इसके यूजर्स और इसके साइज़। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रेड एल्बो जो प्री फिल्टर में हम कनेक्शन करने के लिए पाइप के साथ अटैच करते हैं। इसका साइज़ होता है 1/4। ये हमारी दो जगह यूज़ होती है, एक तो प्री फिल्टर की इनपुट पे और आउटपुट पे, और सेकंड इन लाइन के दोनों साइड। तो इस तरह से 1/4 इंच की जो एल्बो है वो इन लाइन पे भी और प्री फिल्टर के साथ भी अटैच होती है। अब सेकंड एल्बो हम बात करेंगे जिसकी, वो है मेम्ब्रेन एल्बो भी इसे कहते हैं, और इसको प्री फिल्टर थ्रेड एल्बो भी कहते हैं। ये थ्रेड एल्बो इसलिए कहते हैं कि अगर प्री फिल्टर के हम साथ अटैच करेंगे तो इसके साथ जो पाइप का साइज़ होगा, जो पाइप लगेगा वो मोटी पाइप लगेगी। कमर्शियल टाइप जो पाइप आती है वो पाइप लगेगी। अगर आपने ब्रीक लगानी हो तो मेम्ब्रेन एल्बो, ये है हमारी मेम्ब्रेन एल्बो लगी हुई हैं। दो एल्बो लगती हैं और एक इनपुट पे लगती फिट होती है। ये भी थ्रेड एल्बो है लेकिन ये मेम्ब्रेन के लिए यूज़ होती है। 10 इंची का बाउल होता है ब्लू कलर में, ये देखिए। इसमें हम लगाते हैं 3/8 इंच की एल्बो। जहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा चाहिए हो उसकी इनपुट पे हम 3/8 इंच की थ्रेड एल्बो यूज़ करते हैं, जबकि प्री फिल्टर की जो छोटे साइज़ की है 1/4 इंच की, वो डोमेस्टिक फिल्टर के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा फ्लो चाहिए फिर हम 3/8 इंच की एल्बो यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पंप एल्बो की। तो पंप एल्बो भी दो तरह की हम यूज़ करते हैं। ये भी थ्रेड टाइप है और इसकी जो आउटपुट पे मोटी पाइप लगती है, जहाँ हमें कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए 25 लीटर का या 50 लीटर का आरओ यूज़ करना हो। और अगर आप डोमेस्टिक लेवल के लिए पंप यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक कलर की थ्रेड एल्बो यूज़ करते हैं। तो ये भी दोनों पंप एल्बो है लेकिन दोनों का जो आउटपुट पाइप लगता है, एक का छोटा पाइप लगता है 1/4 इंच और सेकंड पे 3/8 इंच का पाइप लगता है। इसी तरह सेंट्रल थ्रेड एल्बो आती है टी टाइप। ये भी हम जहां पैरेलल कनेक्शन दे रहे हो TDS कंट्रोलर LPS तो वहां इसको हम यूज़ करते हैं। अगर हम या 300 GPD की मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं तो एल्बो यूज़ करते हैं, तो ये भी थ्रेड एल्बो है। तो मेम्ब्रेन एल्बो भी दो तरह की आती है। एक हमने आपको छोटी दिखाई थी, ये डोमेस्टिक 75 GPD या 100 GPD की जो मेम्ब्रेन उसके लिए मेम्ब्रेन एल्बो यूज़ करते हैं, और सेकंड 300 GPD के लिए जो बड़ी मेम्ब्रेन आती है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आपको इनका साइज़ और इनका जो यूज़ पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जो एल्बोज़ हैं उनके बारे में आपको पता चल गया होगा।